मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्न योजना का आगाज हो रहा है, इससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव के माध्यम से किसी गरीब की थाली को खाली नहीं रहने देंगे, अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान दीपावली तक चलेगा। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर समय गरीब की हित के लिए काम करती है, सरकार ये कोशिश करेगी कि गरीब को दो वक्त की रोटी मिल सके। इसके साथ ही सारंग ने पीडीएस की दुकानों पर कांग्रेस की ओर से नजर रखने पर कहा कि कांग्रेस किस बात की नजर रखेगी, उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुफ्त अनाज की सौगात और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मुफ्त अनाज की सौगात को अन्नोत्सव के रूप में मनाकर लाखों हितग्राहियों को, करोड़ों हितग्राहियों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय गरीब के हित में काम करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। हर गरीब को मुफ्त में सरकार की ओर से राशन मिले, अनाज मिले, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में दो वक्त की रोटी की कहीं चिंता ना रहे। भारतीय जनता देखिए किस बात की नजर रखेगी, वो उन्होंने तो गरीब के हित में कोई काम किया नहीं। कांग्रेस की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी और 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो राशन की दुकानें काला बाजारियों का अड्डा बन गई थी, किसी भी गरीब को, किसी भी हितग्राही को अनाज नहीं मिलता था। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार और काला बाजार को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया था।